दोस्तों, बारिश के बाद हम नज़ारा आपको दिखाते हैं। आम का साइज देखिए कितना सुंदर है। देखिए बारिश के बाद देखिए नज़ारा, दाना देखिए कितना भरा पड़ा है। बारिश से पहले आप करते हैं तो आपका भी फल सेफ रहता है। देखिए तो दोस्तों देख सकते हैं, देखिए मसूर दाल ऐसा हो गया, कहीं कहीं मटर ऐसा हो गया। देखिए देख सकते हैं, कैमरामैन जूम करिए थोड़ा, देखिए देखिए वो सब एक्स्ट्रा फल झड़ रहा है। फल देखिए कितना सुंदर है। चलिए इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, पूरा डाली में आप देखिए। चलिए आज इन्हीं में हम दवाई डालते हैं और आपको दिखाते हैं, चलिए बने। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी स्प्रे की अंदर से देखिए सब मक्खी ऊपर से आ रहा है। कीट सब देखिए इधर भी देख सकते हैं, देखिए देख सकते हैं सिर्फ 20 ग्राम। हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल किसान एक्सपेरिमेंट चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं आम में कौन सा दवाई डालते हैं। अभी आम का साइज भी आपको हम दिखाते हैं। फ्लोने पिक्स 5 ml डालेंगे 20 लीटर पानी में। इसको डालने के बाद आप पूरे टैंक में इसको कोई लाठी से इसको मिला दीजिए। चलिए देख सकते हैं सिर्फ 5 ml ही डालना है, ज़्यादा डालने के बाद फल फटने का चांस रहता है। देखिए इसको तुरंत मिलाना है। तो देख सकते हैं यह एसीटल है, 20 ग्राम ही डालेंगे 20 लीटर पानी में। चलिए इसको डालने के बाद जस्ट मिला लेना है। देखिए तो दोस्तों जब भी आप स्प्रे स्टार्ट करिए उससे पहले मास्क या आँख में चश्मा लगा लीजिए ताकि फेस पे पड़े ना, नहीं तो बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। चलिए लास्ट में बचा है, देख सकते हैं यह सिलिकॉन है एग्रो स्पीड मैक्स, इसको 5 ml है, इसको भी डालते हैं ताकि बारिश से बचे। चलिए वो भी हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। इसको डालने के बाद जस्ट तुरंत आपको स्प्रे करना है। देखिए रुकना नहीं है, डालने के बाद तुरंत इसको मिलाइए और उसके बाद तुरंत स्प्रे करने के लिए आप निकल जाइए। देखिए ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 20 लीटर पानी में एक पाउच। चलिए डालने के बाद इसको अच्छे से आप मिला लीजिए। देखिए इस प्रकार से मिलाना है, मिलाने के बाद आपको तुरंत स्प्रे करना है ताकि दवाई रुके ना, नहीं तो फल फटने का अधिक चांस रहता है। चलिए देखिए देखिए इस प्रकार से करना है, देख सकते हैं। देखिए प्रेशर और फुहारा देखिए, आप अगर ऊपर के हिस्सा में करते हैं तो लंबा फोड़ा करिए, अगर निचले हिस्सा में करते हैं तो फोड़ा पतला करिए। देखिए इस प्रकार से आपको करना है, चारों साइड पत्ती और फल और डंठल छूटना नहीं चाहिए। देखिए इस प्रकार से आपको करना है, एक भी डाली छूटे ना। देखिए इस प्रकार से करते रहिए चारों साइड, एक भी फल वाला डंठल ना छूटे पड़ती है। तो दोस्तों देखिए इसी प्रकार से आपको करना है, यह जितना भी फूल झड़ रहा है यह सब सूखा हुआ है। देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर हो रहा है, बने रहिए मेरे वीडियो में, हर एक अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे कब क्या चीज़ डालते हैं। देखिए इसी प्रकार से देखिए
सब में मशहूर ऐसा दाना बन गया है। देखिए तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लोकल किसान एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नई नई खेती बाड़ी संबंधी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।